अनलॉक 1.0 शुरू हो गया है और ऐसे में पूरी जो इकोनॉमी है उसको खोला जा रहा है। कल BDO's के साथ बैठक हुई तो हमारी कोशिश थी ना सिर्फ पंचवटी पे बल्कि और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे खास करके जो मनरेगा समग्र हमने शुरू किया है। कोशिश है कि जो लोग बाहर से आए हैं जिनका जॉब लॉस हुआ है उनको किसी न किसी तरीके से सिस्टम में अब्जॉर्ब कर सकें और उनको वेजेज उनके हाथ में पैसा रख सकें। उसी कड़ी में एक पंचवटी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। इसमें हमारी कोशिश है कि मिनिमम 2 कनाल की ज़मीन पे हर ब्लॉक में एक एक जो इस तरह की पंचवटी है उसको बनाया जाए जिसमें पैदल चलने के लिए ट्रैक हो। मिनिमम 2 कनाल होना चाहिए, मैक्सिमम जितनी ज़मीन अवेलेबल होगी उसके हिसाब से हम प्लानिंग कर रहे हैं। उसमें पैदल चलने के लिए जगह हो, उसमें कम्युनिटी टॉयलेट्स हों और बढ़िया एक सुंदर गार्डन बनाया जाए। इसमें एक तो लोगों को काम भी मिलेगा और साथ ही साथ हमारे पास एक बहुत अच्छा एसेट क्रिएट होगा। जो नंबर्स हैं वो बढ़ेंगे क्योंकि लोग वापस आए हैं, और अगर आपने देखा हो तो लगभग जितने भी केसेस हमारे आए हैं दिल्ली के इर्द गिर्द से, जो NCR रीजन से लोग आए हैं वही संक्रमित आए हैं। और हमारी पीछे भी कोशिश रही है कि हम उनको इंस्टीट्यूशनली क्वारंटीन करें और कोशिश करें कि जो कम्युनिटी स्प्रेड है उस प्रकार की कोई घटना यहाँ पर ना हो। ऐसे में जिला वासियों को मैं बस एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जब तक कि कोई ठोस इसके लिए कोई वैक्सीन या दवाई का इजाद नहीं होता है तब तक जो हेल्थ डिपार्टमेंट की एडवाइजरीज हैं, खास करके मास्क लगाने को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर और हाथ धोने को लेकर, जो छोटी छोटी बातें हैं, अगर इसका हम विशेष ध्यान रखते हैं तो आने वाले समय में कोरोना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी हम जी सकते हैं बिना संक्रमित हुए। देखिए, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। पिछले 2 महीने में जितने हमारे स्टैंडर्ड लोग थे वो जिले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, लगभग 90,000 से 1 लाख के आसपास लोग जिला कांगड़ा में वापस आए हैं। ऐसे में जो लोग बहुत ज़रूरतमंद थे वो वापस आ चुके हैं। अब ऐसी स्थिति देखी जा रही थी, बिना वजह के भी लोग ट्रैवल कर रहे थे, और अब हमारा ये मानना है कि जो जहाँ पे है वहाँ पे रहे, और ऐसे में थोड़ी कड़ाई करने की ज़रूरत थी। और इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि जो डेथ केसेज हैं, इमरजेंसी केसेज हैं या अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज, जैसे शादी के लिए कोई लोग आना चाहते हैं ऐसे केसेज में लोगों को आने दिया जाएगा। कई लोग ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं आ रहे हैं, ऐसे लोगों को आने दिया जाएगा। और साथ ही जो 48 घंटे की बात आप कर रहे हैं, वो जो सिस्टम गवर्नमेंट ने शुरू किया था वो सिस्टम अभी बहाल है। कोशिश ये है कि अभी पहले हमारे जो ट्रेनिंग फेज़ है वो कंप्लीट हो। कई मंदिरों में हमने ट्रेनिंग लोगों की कराई है, जो वहाँ पे कर्मचारी हैं, जो वहाँ के बाहर के दुकानदार हैं, पुजारी हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि जुलाई के महीने में, अगर जो हमारा ग्राफ है कोरोना का अगर नीचे की तरफ आता है और ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस हो कि बड़े गैदरिंग के बावजूद भी हम ढंग से उसको मैनेज कर सकते हैं, उसके उपरांत ही इसके ऊपर कोई निर्णय लिया जाएगा। तो इसमें अभी 2-3 हफ्ते की देरी हो सकती है।